हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हम अपने व्हीकल के लिए, अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से उसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप घर बैठकर अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे घर बैठे रिसीव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वही प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और जो ये प्रोसेस है, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस है। जब स्टार्टिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम का जो प्रोसेस था और जो आज का प्रोसेस है, वो क्वाइट डिफरेंट है आपस में। तो मैं आपको बिल्कुल इसका लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपना ध्यान लगाकर देखिएगा, अंत तक इसको बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। इस वीडियो के बाद, देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है आपके सामने। इस पे लिखा हुआ है गूगल। इसमें हम सबसे पहले टाइप करेंगे SIAM, ये टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद में जो फर्स्ट URL आएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, होम पेज ओपन होगा। इसके बाद इसको पहले क्लोज करेंगे और देखिए यहाँ पर राइट साइड में टॉप में आपको आ रहा है बुक HSRP, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए बोलेगा। HSRP रजिस्ट्रेशन करके कुछ बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए बोलेगा, इसमें आपका नाम, पता, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो ये आपको पुट करना है। उसके बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सब डिटेल इसमें फिलअप कर देता हूँ। डिटेल फिलअप करने के बाद, एग्री करने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो व्हीकल है वो कौन सी कंपनी का है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा जैसे एक्टिवा है तो मेरा एक्टिवा होंडा का है। देखिए होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान रखिएगा यही आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपका ब्रांड है। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें देखिए सेलेक्ट मेक, मतलब आपको दोबारा से कंपनी का नाम पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसमें फिर से सेलेक्ट करूंगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इधर देखिए लिखा हुआ है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड। इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा टू व्हीलर व्हीकल है तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद स्टेट, इसके बाद मैं अपना यहां से डिस्ट्रिक्ट, यहां से मैं डीलर, ये डीलर का नाम वो होगा, ये लिस्ट आ जाएगी आपके जो नियर बाय डीलर होंगे, ये उन सबकी लिस्ट होगी। तो जिस डीलर को भी आप अप्रोच करना चाहते हैं, जहां से भी आप ये रिसीव करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा, जो मेरा नियर बाय है ये है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा यहां पर। इसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डलवाएगा आपकी, कि आपको अगर कांटेक्ट किया जाए तो आपका एड्रेस, नाम वगैरह क्या होगा यहाँ पे, तो आपको डिटेल डालनी होगी यहाँ पे। तो मैं ये डिटेल फिलअप करता हूँ। ये सारे डिटेल फिलअप करने के बाद में, ये सारे डिटेल फिलअप करने के बाद में आपसे बोलेगा एक OTP जनरेट करने के लिए। तो नीचे देखिए बटन आ रखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, उसी पर एक OTP जाएगा। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ और एक OTP मेरे को रिसीव होगा और वो OTP मेरे को यहाँ पर पुट करना होगा। उसके बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। OTP मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ऊपर देखा दिया है व्हीकल इंफॉर्मेशन। तो देखिए होंडा का मेरा व्हीकल, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये था, और उसके बाद में यहाँ पर डीलर का नाम दे दिया है जिसको मैंने अप्रोच करने की कोशिश की है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना, अपने व्हीकल का चेसिस नंबर और यहाँ नीचे इंजन नंबर डालना है, और उनके लास्ट 5 डिजिट आपको केवल पुट करने हैं, पूरा नंबर आपको नहीं पुट करना है। तो मैं यहाँ पर नंबर पुट कर देता हूँ दोनों। नंबर पुट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन कुछ आ जाएगी मेरे सामने कि मेरा पेट्रो फ्यूल टाइप क्या है, व्हीकल टाइप क्या है, ये सब कुछ डिटेल देगा। यहाँ पर आपको फिर से एक अपना मॉडल सेलेक्ट करना होगा, जैसे मेरा एक्टिवा है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्टिवा। दूसरा RTO का नाम मैं यहाँ पर सेलेक्ट करवाएगा, तो RTO मेरा जैसे गाजियाबाद है तो मैं गाजियाबाद सेलेक्ट कर लूंगा। देखिए
देखिए सब कुछ आ गया है और यहाँ पर कॉस्ट आ गई है सामने कि 365 रुपीज़ 80 पैसे मेरे को कॉस्ट लगेगी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी प्लेट के लिए, अपने हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए। तो मेरा कॉस्ट जो रहेगा ये 365 रुपीज़ रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि अपॉइंटमेंट आपको कब की चाहिए। तो आपको जिस दिन की भी अपॉइंटमेंट चाहिए यहाँ से आप डेट चूज कर सकते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो आपको करा देगा। तो देखिए जो यहाँ पर रेड मार्क आ रहे हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है, नीचे साइन दिया हुआ है, अगर रेड है तो जो डेट में रेड आ रखा है वो डेट अनअवेलेबल है, और जो ब्लैक में आ रखे होंगे वो डेट अवेलेबल है। तो देखिए मैं यहाँ पर 10th of May ले लेता हूँ, या फिर मैं 11th of May ले लेता हूँ, ये कर दिया मैंने। और इसके बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूं तो मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूंगा, जो भी बैंक है मेरा। देखिए पेमेंट करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, टैग प्रोसेस पेमेंट यहाँ पे आ गया है। स्टेटस ऑफ योर पेमेंट हैव बीन सक्सेस, डाउनलोड व्यू इनवॉइस कम मनी रिसिप्ट। तो यहाँ से आप अपना जो इनवॉइस है, जो पेमेंट रिसीट है, वो आप डाउनलोड करके अपने लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो आप उसको शो कर सकें। तो इस तरीके से आपकी रिसीट रहेगी जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। और आपका ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है, और 11th of May जैसे कि अपॉइंटमेंट डेट था इसमें मेरा, उस दिन जा करके मैं वहाँ से अपना नंबर प्लेट कलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बगैर कहीं जाए घर से ही अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।